आपकी खबर, हूं आपके साथ शिवानी पांडे। दिवाली से पहले पाकिस्तान ने एक बार फिर सीमा पर सीजफायर का उल्लंघन किया है। जम्मू कश्मीर के तंगधार में पाकिस्तान की ओर से जबरदस्त गोलीबारी की खबर सामने आ रही है। भारतीय सेना भी जवाबी कार्रवाई में गोलीबारी कर रही है। हालांकि पिछले कुछ सालों में तंगधार में गोलीबारी नहीं देखी गई है, लेकिन इस बार इस सेक्टर को भी निशाना बनाया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक तंगधार में काफी जबरदस्त गोलीबारी हो रही है। यहां लोग बंकर में छिपने के लिए मजबूर हो रहे हैं। यह आशंका जताई जा रही है कि गोलीबारी की रेंज बढ़कर तंगधार के मुख्य बाजार तक पहुंच सकती है, इसलिए तंगधार से लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा रहा है। इससे पहले जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा के पास तीन सेक्टर शाहपुर, किरनी और कस्बा में पाकिस्तान ने सुबह 9 बजे के करीब छोटे हथियारों से गोलीबारी कर संघर्ष विराम उल्लंघन किया। इसके बाद भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई भी की। आपको बता दें कि इस साल की शुरुआत से पाकिस्तान बार बार 1999 में दोनों देशों द्वारा हस्ताक्षर किए गए द्विपक्षीय संघर्ष विराम समझौते का उल्लंघन कर रहा है। जनवरी से अब तक पाकिस्तान ने 3,200 से ज्यादा बार संघर्ष विराम का उल्लंघन किया है, जिसमें 24 नागरिक मारे गए और 100 से अधिक घायल हुए हैं। पाकिस्तान तो अपनी हरकतों से कभी बाज नहीं आएगा, लेकिन भारतीय सेना ये बखूबी जानती है कि किस तरह पाकिस्तान को जवाब देना है। इसी के साथ आप देखते रहिए आज की खबर। आपका क्या कहना है, आप कमेंट सेक्शन के जरिए अपना फीडबैक हम तक पहुँचा सकते हैं। और इसी के साथ आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए आज की खबर। नमस्कार।